ये आपका 16 क्रॉस 2 एलसीडी है। यहाँ पे आपके 16 ब्लॉक्स होते हैं जो कि अभी आप देख नहीं पा रहे हैं, रियल एलसीडी होगा तो आप देख पाएंगे। 16 ब्लॉक्स होते हैं, 2 रोज होते हैं, 16 क्रॉस 2। और यहाँ पे इसमें जो पॉइंट्स हैं, जो पिंस हैं, वो भी 16 ही होते हैं। काउंटिंग हम यहाँ से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू 16। अब हर एक पिन का रोल देखते हैं। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक हार्डवेयर का पावर रिक्वायरमेंट हमेशा होता है, तो यहाँ ग्राउंड एंड वीसीसी इसका पावर रिक्वायरमेंट है। यहाँ 5 वोल्ट प्लस देंगे, यहाँ आप देंगे 0 वोल्ट और ग्राउंड। ये दो फर्स्ट टू पिन इसकी पावर रिक्वायरमेंट होंगे। वीओ आप वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करते हैं, जो पोटेंशियोमीटर आप कनेक्ट करते हैं। अगर आप पोटेंशियोमीटर नहीं है आपके पास तो आप ग्राउंड पिन से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड पिन से अगर आप कनेक्ट करेंगे तो कॉन्टेस्ट आपका एडजस्ट नहीं हो पाएगा और आपको टेक्स्ट देखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। रजिस्टर सेलेक्ट, जैसा कि अगर आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो कुछ मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है, तो वो रजिस्टर सेलेक्ट आप यहां से इसको इनेबल या डिसेबल करके चेकआउट करते हैं। तो ये आपका आर्डिनो से आप कंट्रोल करते हैं। रीड एंड राइट, सो डेटा हम एलसीडी से रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो आपने ये देखना है कि अभी जब हम रीड करेंगे तो हम इसको 1 रखते हैं और जब हम राइट करते हैं तो हम इसको 0 रखते हैं। तो 0 मींस ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे और रीड करेंगे तो आप इसे 1 से कनेक्ट कर देंगे या वीसीसी से कनेक्ट कर देंगे। ई इनेबल, दैट मींस आपको एलईडी को इनेबल करना है। DB0 टू DB7 या 8 बिट है ये डेटा ट्रांसफर के लिए। डेटा ट्रांसफर मींस आप जो कंप्यूटर से फैमिलियर हैं वो ये समझ पाएंगे कि 1 बाइट मींस 8 बिट, सो दीज आर 8 बिट्स। यहाँ पे 8 बिट्स हैं जो एक सिंगल अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 8 बिट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आपके पास बोर्ड पे 8 पिंस अगर अवेलेबल नहीं है तो आप 4 बिट से भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। 4 बिट से अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो आप ये 4 बिट मोस्टली कंसिडर करते हैं। आप किसी भी माइक्रोकंट्रोलर से 4 बिट से भी कंसिडर कर सकते हैं। उसमें आपको पार्टीशन में 4-4 बिट्स भेजनी पड़ेंगी और उसके बाद एक आपका कंप्लीट टेक्स्ट फॉर्म होगा। इसमें थोड़ा डिले होगा लेकिन नॉर्मल प्रोग्राम्स के लिए कोई ज़्यादा इश्यू नहीं होता। एलईडी प्लस एंड एलईडी माइनस है, यहाँ पर रिटर्न नहीं है। दैट मीन्स आपका ये जो पिन नंबर 15 है कि आपका वायर रेजिस्टेंस, जैसा कि आपका एक नॉर्मल एलईडी जो है उसको भी आप रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट करते हैं, इसी तरह से इसका जो बैकलाइट है एलईडी है उसको आप यहाँ पे रेजिस्टेंस के थ्रू वीसीसी से कनेक्ट करेंगे और इस पिन को आप ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। तो वो बैकलाइट, अगर वो आप नहीं करेंगे तो बैकलाइट ऑन नहीं होगा। सो ये आपका एलसीडी का इंट्रोडक्शन हो गया।